दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं शज़ाम, एक्वामैन, एवेंजर्स 4 की ट्रेलर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और भी बहुत सारी चीजों को लेके। और सॉरी दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअली कल आने वाली थी, जैसे हर संडे मैं कुछ ना कुछ डालता हूँ, लेकिन कल से हमारे यहाँ पे पावर कट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को कम्प्लीट नहीं कर पा रहा था और इसलिए संडे वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते आज के समाचार। पहले बात करते हैं शज़ाम मूवी के बारे में, जिसका फर्स्ट टीजर लोगों के दिलों में इस फिल्म को लेकर एक अलग ही उम्मीद बना ली है। और इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग का भी कुछ ऐसा ही कहना है, जिनका कहना है कि शज़ाम फिल्म दूसरे सुपरहीरो फिल्म से बहुत ज्यादा अलग होगी। मतलब इस फिल्म का पैटर्न दूसरे सुपरहीरो फिल्म के पैटर्न से थोड़ी अलग होगी। और सबसे बड़ी बात जो उनके पास से पता चली है कि इस फिल्म में हम लोग डॉक्टर सिवाना एज ए मेन विलन के अलावा भी हमें कुछ और विलन्स भी दिख सकते हैं, जो शायद डॉक्टर सिवाना को पीछे से हेल्प करेंगे और शायद आगे की फिल्मों में हमें उन लोगों की फुल अपीयरेंस मिलेगी, या फिर शायद फिल्म के एंड में या फिर बीच के कुछ सीनों में इन दूसरे विलन्स को थोड़ा सा टीज किया जाए या फिर इनका कुछ ईस्टर एग्स दिखाया जाए। और हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को ब्लैक एडम भी दिखने को मिले, जो इस फिल्म के अगले पार्ट के लिए हाइप और भी ज्यादा बढ़ा देगी। और बात रही शज़ाम फिल्म के ट्रेलर की, तो बात बहुत ज्यादा ये फैल रही कि इस साल ही हम लोग को एक्वामैन फिल्म के साथ साथ ही आखिर में शज़ाम फिल्म की भी ट्रेलर दिखेगी, जैसे वेनम में स्पाइडरवर्स का ट्रेलर दिखा था। लेकिन डायरेक्टर ने इस बात की भी क्लियरिटी कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शज़ाम के VFX के ऊपर काम अभी भी बाकी है और ट्रेलर के लिए भी VFX का काम बाकी है, तो शायद इस साल हम लोग को शज़ाम का ट्रेलर नहीं दिखेगा। और अब बात करते हैं MCU की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म के बारे में। आखिरकार जेम्स गन को निकाल देने के बाद शायद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए MCU को नया डायरेक्टर मिल गया है, क्योंकि MCU इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ट्रेविस नाइट के साथ बात कर रहे हैं, जो मेनली एक बहुत ही बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म डायरेक्टर है और साथ ही साथ एक एनिमेटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी। लेकिन उन्होंने बस एक ही लाइव एक्शन मूवी की है और वो है बम्बलबी, जो 20 दिसंबर को रिलीज होगी। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सीक्वल के लिए भी ट्रेविस नाइट एक अच्छे डायरेक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे एनिमेटेड फिल्म क्रिएट की है, जैसे मून गर्ल, पैरानॉर्मल, द बॉक्स ट्रोल और भी बहुत सारे। और रिसेंटली आ रही है मिसिंग लिंक, जहाँ पे वॉइस ओवर दे रहे हैं हमारे ह्यूग जैकमैन। और जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि ह्यूग जैकमैन पहले डिटेक्टिव पिकाचू में पिकाचू का वॉइस देने वाले थे, लेकिन उन्होंने मिसिंग लिंक के लिए एक फिल्म छोड़ दी और फिर रायन रेनॉल्ड्स को पिकाचू का वॉइस देने के लिए कहा गया, मतलब वुल्वरीन नहीं तो डेडपूल सही। और बात करें पोकेमॉन द डिटेक्टिव पिकाचू की, तो रिसेंटली आई इस ट्रेलर ने इंटरनेट में काफी धूम मचा दी है, जिसका इंग्लिश वर्जन तो असम है ही, और साथ ही साथ डब स्टार लोहित ने इस ट्रेलर को डब करके इस ट्रेलर की चार चांद लगा दिया है। आप लोग चाहे तो उसके चैनल में जाके देख सकते हैं। साला हवा की दीवार बनाता है। और वैसे फिल्म एस कचम के यूनिवर्स का नहीं है, और जो लोग पोकेमोन के फैन हैं, ऑब्वियसली सभी होंगे, उनके लिए बता दूं कि इस फिल्म की स्टोरी डिटेक्टिव पिकाचू गेम से लिया गया है। यहाँ का पिकाचू और एस कचम का पिकाचू अलग है, बल्कि जितना दूर मुझे पता है दोनों यूनिवर्स ही अलग है। और अब बात करते हैं DC के एक्वामैन फिल्म को लेके, और हाल ही में इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, और वो भी रिलीज होने के पहले। आप सभी को पता ही होगा कि एक्वामैन फिल्म 21 दिसंबर में रिलीज होने वाली है और Amazon प्राइम के स्पेशल अरेंजमेंट में ये फिल्म 5 दिन पहले 14 दिसंबर को रिलीज होगी, और इसलिए फैंडागो टीम ने इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। और फैंडागो के एडवांस टिकट बुकिंग में अभी तक पहली पोजीशन पे था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म, और एक्वामैन की पहली 24 घंटे की एडवांस बुकिंग को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने कहा है कि इस मूवी ने एडवांस टिकट बुकिंग में इन्फिनिटी वॉर के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। लेकिन ये बात फैंडागो वालों ने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन उनकी टीज करी गई बातों से सभी का यही मानना है। अब बात आ रही है एवेंजर्स की, तो चलिए अब बात करते हैं एवेंजर्स 4 की ट्रेलर के बारे में। कुछ हफ्ते पहले मार्वल टीम हमारे वाइनर आशीष चंचलानी के साथ इस ट्रेलर को लेकर कुछ बातचीत किए थे, और इसके बारे में आशीष चंचलानी ने बताया भी था, और पिछले दिन ट्रेलर निकलने की कुछ पॉसिबिलिटीज भी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आशीष चंचलानी सुबह से फ्रस्ट्रेशन में थे कि कब ट्रेलर निकलेगा, और उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो और बहुत सारे ट्वीट्स भी की। लेकिन एक्चुअली इस सभी कॉमेडी वीडियोस और ट्वीट्स जितना दूर हम लोगों को लग रहा है बस एक मार्केटिंग प्लान है, जो मार्वल टीम ने आशीष चंचलानी के साथ मिलके किया है। और अब जब ट्रेलर की बात उठी गई है, तो आ जाते हैं एक ऐसे ट्रेलर पे जिस ट्रेलर के लिए या फिर कह सकते हैं जिस फिल्म के लिए हम में से बहुत लोग बचपन से इंतजार कर रहे थे, और वो है हकूना मटाटा, यानी कोई चिंता नहीं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं द लायन किंग ट्रेलर के बारे में, एक्चुअली ट्रेलर नहीं टीजर। और लायन किंग एनिमेटेड फिल्म को कौन भूल सकता है यार, जो देख के भूल गया उसके दिमाग में कीड़े पड़े।
और सच कहूं तो लायन किंग की फर्स्ट फिल्म मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट फिल्म थी और मैं बचपन से सोच रहा था कि कब इसके ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी देखने को मिले। और कुछ साल पहले इसकी एक ट्रेलर भी निकली थी लायन किंग रीबॉर्न नाम से, जो शायद फैन मेड ट्रेलर थी, लेकिन तब उतना कुछ समझते नहीं था ना यूट्यूब के बारे में। लेकिन फिर भी वो ट्रेलर इतना पसंद आ गया था मुझे, इतना एक्साइटेड हो गया था मैं कि मैंने तुरंत डाउनलोड कर लिया था। और जितना दूर इस टीजर को देख के लग रहा है कि इस फिल्म की स्टोरी बहुत हद तक एनिमेटेड फिल्म की तरह ही रखा जाएगा। और टीजर की बात करें तो वंस अपॉन ए डेडपूल यानी डेडपूल 2 की PG-13 वाली वर्जन की टीजर भी 19 तारीख को निकल गई है, जो ज्यादा खास नहीं है। मामू ठोक दूंगा तुझे, लेकिन डेडपूल तो डेडपूल ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना लायन किंग की कसम दिमाग में सच में कीड़े पड़ जाएंगे।